नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ओंकार अदाटे। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग इंसैनिटी, खाबों का सफर, द गियर शो। और नाम के अनुसार ही हम इसमें नई नई और बढ़िया चीजें जो हम ट्रैकिंग, कैंपिंग और हमारे रोज के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सीरीज हिंदी के साथ ही इंग्लिश और मराठी में भी अवेलेबल है और इसका इंग्लिश में पॉडकास्ट भी अवेलेबल है और जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बैकपैक्स के बारे में बात करते हैं। हमारे सभी सफ़र में हमारे बैकपैक्स हमारे करीबी साथीदार होते हैं और इसीलिए ही हमें एक भरोसेमंद साथीदार चुनना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सही बैकपैक चुनना हमारे सफ़र के प्रकार पर निर्भर करता है। जो एक दिन का ट्रैक हो सकता है, वीकेंड आउटिंग हो सकती है या एक लंबा कैंपिंग एक्सपेडिशन हो सकता है। पर उससे पहले कुछ टेक्निकल बातें हैं, ये बातें ध्यान में रखने से हमें हमारे लिए परफेक्ट बैकपैक चुनने में बहुत आसानी होगी। टॉर्सो लेंथ या धड़ की लंबाई, टी शर्ट्स की तरह ही बैकपैक्स भी हमारे शरीर के आकार के अनुसार फिट होने के लिए अलग अलग साइजेस में आते हैं और इसके लिए टॉर्सो लेंथ मालूम होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका पता लगाते हैं। टॉर्सो लेंथ जानने के लिए हमें एक मेजरिंग टेप लगेगी और शायद एक दोस्त की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अभी अपना हाथ गर्दन के पीछे ले जाइए और अपना सर आगे की ओर झुकाइए। आपके हाथ को एक सबसे ज़्यादा बाहर आई हुई एक हड्डी महसूस होगी। इसे C7 वर्टिब्रे मतलब सातवीं ग्रीवा कशेरुक कहते हैं। अभी आराम से अपने हाथ कमर पर रखिए, तुम्हें हड्डियाँ महसूस होगी। अभी धीरे से अपने अंगूठे एक दूसरे के करीब ले जाइए। अब अपने दोस्त को C7 वर्टिब्रे से आपके हिप शेल्फ तक की दूरी मापने के लिए कहिए। इससे आपको अपने धड़ की लंबाई यानी कि टॉर्सो लेंथ मिल जाएगी। एक बार आपको आपका टॉर्सो लेंथ पता चला कि फिर आप ये चार्ट देखकर अपने लिए सही बैकपैक चुन सकते हो। ये चार्ट मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपलोड किया है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उसे वहाँ भी देख सकते हो। तो अगर आपका टॉर्सो लेंथ 40 सेंटीमीटर के नीचे है तो आपके लिए एक्स्ट्रा स्मॉल बैकपैक बराबर होगी। वैसे ही अगर टॉर्सो लेंथ 41-45 सेंटीमीटर के बीच होगा तो आपके लिए स्मॉल साइज़ बैकपैक बराबर है। 46-50 सेंटीमीटर्स की लंबाई के लिए मीडियम या रेगुलर बैकपैक बराबर होगा। और यदि टॉर्सो लेंथ 50 सेंटीमीटर्स के ऊपर हुआ तो आपके लिए बड़ी या एक लंबी बैकपैक बराबर होगी। यह संकल्पना पश्चिमी देशों में बहुत विकसित है और भारत में कुछ ही कंपनियां हैं जो ये वैशिष्ट्य बताते हैं। तो इसके लिए हम एक हैक कर सकते हैं, वो ये है कि शोल्डर स्ट्रैप के ऊपर की ओर से बैक के वेस्ट बेल्ट के बीच की दूरी को अपने टॉर्सो लेंथ से मिलाकर देखिए और आपको आपके लिए बराबर साइज़ मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा टॉर्सो लेंथ 45 सेंटीमीटर्स है और इस बैकपैक की शोल्डर स्ट्रैप से अपने वेस्ट बेल्ट तक की दूरी 44 सेंटीमीटर्स है, तो ये बैकपैक मेरे लिए एकदम बराबर है। और हाँ, टॉर्सो लेंथ और हाइट अलग अलग चीज़ें हैं। एक ऊंचे व्यक्ति का टॉर्सो लेंथ छोटा हो सकता है और एक छोटे व्यक्ति का टॉर्सो लेंथ बड़ा भी हो सकता है, तो हमें इधर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी मार्केट में थोड़े बैकपैक्स एडजस्टेबल टॉर्सो लेंथ सस्पेंशन के साथ भी आते हैं, जिसके कारण अलग अलग टॉर्सो लेंथ होने वाले व्यक्ति वो बैकपैक इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अपने फ़ायदे हैं। पर अगर आप बैकपैक सिर्फ आपके लिए लेने वाले हो तो आपको निश्चित तौर से फिक्स टॉर्सो लेंथ होने वाली बैकपैक लेनी चाहिए, क्योंकि अगर यदि आपके टॉर्सो लेंथ की एडजस्टमेंट गलत हुई तो आपके बाकी के एडजस्टमेंट्स भी गलत हो जाएंगे, जिसके वजह से आपका सफ़र तनाव भरा हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो हमने एल्डोज एडवेंचर इनके सहयोग में बनाया है। ये सारे टॉप एडवेंचर ब्रांड प्रोडक्ट्स के मुंबई बियॉन्ड ठाणे रीजन के अधिकृत विक्रेते हैं और ये डोंबिवली में स्थित है। और सबसे अच्छी बात, आप एक्सप्लोरिंग इंसैनिटी का उल्लेख करके 20% तक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पा सकते हो उनके सभी प्रोडक्ट्स जो उनके स्टोर में उपलब्ध है
और जिसकी लोकेशन लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। और ये सारे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। तो अभी हम राइट फिट के बारे में बात करेंगे। राइट फिट के कारण आपका सफ़र आरामदायी हो सकता है और इसीलिए आपके बैग्स के स्ट्रैप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मूलभूत 4 प्राइमरी एडजस्टमेंट स्ट्रैप्स होते हैं, हिप बेल्ट, शोल्डर स्ट्रैप्स, लोड फिटर स्ट्रैप्स और स्टर्नम स्ट्रैप। तो राइट फिट के लिए हमें ये चारों एडजस्टमेंट स्ट्रैप्स थोड़े लूज करके शुरुआत करनी चाहिए। तो बैग पहन के हमें सबसे पहले हिप बेल्ट को एडजस्ट करने की शुरुआत करनी है। हिप बेल्ट्स हमारे कमर पर ना होकर हमारे हिप बोन्स पर होने चाहिए। फिर हमें स्ट्रैप्स को खींच कर ये टाइट करना है, लेकिन ज़्यादा टाइट भी नहीं। इसका कारण यह है कि हमारे पैरों की मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स हमारे शरीर में से कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में से एक होते हैं और इसीलिए ये बैकपैक ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि इनका अधिकतर भार हमारे हिप्स पर रहे। हमारे हिप्स का मूल कार्य हमारे शरीर को आधार देना है। दोनों ही स्थिति में स्टैटिक जैसे खड़े रहना बैठना या डायनामिक जैसे चलना दौड़ना। हिप बेल्ट्स के बाद हमें शोल्डर स्ट्रैप एडजस्ट करने चाहिए जिससे कि वे टाइट और आरामदायी रहकर हमारे पीठ और बैक के पीछे बहुत ही कम अंतर बचे। इसके बाद हमें लोड फिटर स्ट्रैप्स एडजस्ट करने चाहिए। आइडियली उन्हें बैक के साथ 45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। लोड फिटर स्ट्रैप्स के कारण हम बैकपैक्स हमारे नज़दीक या दूर ले जा सकते हैं और उसके कारण हमारे कंधे का थोड़ा भार कम हो सकता है। और आखिर में हम स्टर्नम स्ट्रैप्स एडजस्ट करते हैं। इससे बैकपैक स्थिर रहता है और इस स्ट्रैप का मुख्यतः हेतु यह है कि ये शोल्डर स्ट्रैप्स को पकड़े रहते हैं और जिसके कारण हम घूमते वक्त हमारे हाथों का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। ये सारी छोटी चीज़ें ही हमारे ट्रैक के अनुभव में बहुत फ़र्क लाती है। हमें अपने सफ़र या यात्रा में ये स्ट्रैप्स हमारी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट करते रहने चाहिए, मुख्यतः हिप बेल्ट और शोल्डर स्ट्रैप, जिससे हमें थोड़ा आराम मिल सके। पुरुष और महिलाओं के बैकपैक्स का अंतर। महिलाओं के और पुरुषों के बैकपैक में अंतर मुख्यतः उनके स्ट्रैप्स में होता है। पुरुषों के लिए शोल्डर स्ट्रैप थोड़े नज़दीक होते हैं और वही महिलाओं के लिए थोड़े बाहर की ओर होते हैं, और ये बेशक उनके शरीर के आकार को ध्यान में रखकर। और दूसरा अंतर उनके हिप बेल्ट में होता है। पुरुषों के लिए ये थोड़े चपटे होते हैं और वही महिलाओं के लिए ये थोड़े कर्व्ड मतलब घुमावदार होते हैं। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं अगला कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू करूँ ऐसा आपको चाहिए। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि इससे मुझे ऐसे अनेक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और अंत में इंसेनियंस घूमते रहिए, अपना ख्याल रखें और जल्द ही मिलेंगे।